नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में और हम लोग गंगा स्नान करके वापस आ रहे हैं। आज का दिन संडे है, इसलिए जो है आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही है। अभी जो है सुबह का वक्त हुआ है, दुकानें अभी खुली नहीं हैं। वापस आते हुए हमने खिचड़ी बाबा का मंदिर देखा, जहाँ पे जो है भक्तों को मुफ्त में खिचड़ी का प्रसाद खिलाया जा रहा था। तो और वहाँ हमने जो है नज़दीक जाके देखा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। वहाँ पे सामने ही गर्मा गर्म खिचड़ी बन रही थी और साथ ही साथ खिचड़ी का जो है प्रसाद वितरण किया जा रहा था। और कुछ लोग जो है वहाँ पे वितरण करने का कार्य कर रहे थे और बनते हुए जो है बहुत ही देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए सामने जो है खिचड़ी रखी हुई है और लोग जो है वितरण भी कर रहे हैं, और ये एक घूमती हुई कढ़ाई में लगातार खिचड़ी बनती ही जा रही है, और जो कि देखने से बहुत ही सिंपल तरीके से बन रही है, बहुत ही स्वादिष्ट और जो है बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक। ये देखिए भाई साहब ने चावल डाले हैं इसमें और ये जो है कॉन्टिन्यूस घूमती ही रहती है। इसमें मसाले पड़ चुके हैं, देख चलिए इसको हम थोड़ा नज़दीक से देखते हैं इसकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से इसका इसमें कार्य चल रहा है। चलिए ये देखिए लोग जो है खिचड़ी का प्रसाद पा रहे हैं। चलिए उसको दूसरी तरफ से देखते हैं, थोड़ा नज़दीक जा के देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अच्छा, तो नीचे जो है गैस का बर्नर लगा हुआ है और ये कॉन्टिन्यूस इसमें घूमता रहता है। इसी में ही सब्जी, मसाले, दाल, चावल ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं और जो है समय के अनुसार जब पक जाती है तो उससे जो है नीचे निकाल के भक्तों को वितरण कर दिया जाता है। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है।